किसी गांव में एक महात्मा जी रहते थे। उनकी एक खास बात यह थी कि वह जब नाचते थे तो बारिश होती थी। इसकी वजह से गांव वाले उनका बहुत सम्मान करते थे। जब भी गांव वालों को बारिश की जरूरत होती तो वह महात्मा जी के पास जाकर प्रार्थना करते और महात्मा जी नाचते, जिसके फलस्वरूप बारिश होने लगती। एक समय में उस गाँव में 3 लड़के शहर से पढ़ाई करके लौटे। जब उन लड़कों को पता चला कि इस गांव में एक ऐसा व्यक्ति भी है जो जब नाचता है तब बारिश होती है, तो उन लोगों ने महात्मा जी का मजाक उड़ाया और कहा, अगर आपके नाचने पर बारिश हो सकती है तो हमारे नाचने पर भी बारिश हो सकती है। इस बात पर गांव वालों और उन लड़कों के बीच बहस हुई। फिर दोनों बच्चों ने प्रतियोगिता करने के बारे में सोचा, जिसमें दोनों पक्षों के व्यक्तियों को नाचना था और बारिश कराना था। दोनों पक्ष आमने सामने हुए। उन लड़कों में से एक लड़के ने नाचना शुरू किया। लड़के को नाचते नाचते आधा घंटा हो गया था, मगर बारिश नहीं हुई और वह लड़का थक भी चुका था। आधा घंटा पूरा करने के बाद वह लड़का थक कर बैठ गया। अब दूसरे लड़के ने नाचना शुरू किया और वह अगले एक घंटे में थक कर बैठ गया। तीसरा लड़का भी कुछ समय नाचने के बाद रुक गया, परंतु बारिश नहीं हुई। अब बारी महात्मा जी की थी। महात्मा जी ने नाचना शुरू किया। महात्मा जी को नाचते नाचते आधा घंटा हो गया, बारिश नहीं हुई। एक घंटा हो गया, बारिश नहीं हुई। फिर 2 घंटा, 4 घंटा और धीरे धीरे शाम होने को आ गई, परंतु बारिश नहीं हुई। और बारिश न होने के कारण महात्मा जी रुकने का नाम भी नहीं ले रहे थे। शाम होते होते आसमान में बादल की गर्जन बढ़ने लगी और थोड़े थोड़े बादल भी दिखने लगे। कुछ समय बाद बारिश शुरू हो गई। उन लड़कों ने महात्मा जी के पैर छूकर अपनी हार को स्वीकार किया। उसमें से एक लड़के ने महात्मा जी से पूछा कि महाराज, ऐसा क्या है जो आपके नाचने पर बारिश हो गई और मेरे नाचने पर बारिश नहीं हुई? तो महात्मा जी ने कहा, जब मैं नाचता हूँ तो सिर्फ 2 बातों के बारे में ही सोचता हूँ। एक तो यह कि जब मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी यह कि जब तक बारिश नहीं होगी मैं नाचना बंद नहीं करूंगा। मित्रों, ऐसा ही नज़रिया दुनिया के हर सफल इंसान का भी होता है। हर वह इंसान जिसने दुनिया में कुछ बड़ा किया है या सफल हुआ है, उसने उस काम को तब तक किया है जब तक कि वह उस काम में सफल नहीं हो गया।